बात ज़्यादा पुरानी नहीं है लेकिन काफ़ी अजीब है। मैरी रीसर अपने पति डॉक्टर रिचर्ड रीसर के साथ कोलंबिया में रहती थी। कोलंबिया पेंसिल्वेनिया का एक छोटा सा शहर है। उन्होंने अपना पूरा जीवन कोलंबिया में बिताया, लेकिन पति के मरने कुछ सालों बाद उन्हें लगा कि क्यों ना वो फ्लोरिडा में सेंट पीटर्सबर्ग नाम के शहर चली जाए अपने बेटे और अपनी पोतियों के पास। उनके बेटे का नाम भी रिचर्ड था। रिचर्ड अपने पिता की तरह डॉक्टर थे और अपनी दो बेटियों के साथ सेंट पीटर्सबर्ग में रहते थे। मैरी ने सोचा कि अगर वो सेंट पीटर्सबर्ग चली जाएं, तो अपने बेटे और उनके परिवार से मिलती जुलती रहेंगी। इसलिए उन्होंने 1200 नॉर्थ ईस्ट स्ट्रीट पर एक अपार्टमेंट किराए पर लिया। जुलाई 1, 1951, डॉक्टर रिचर्ड अपनी माँ मैरी से मिलने उनके अपार्टमेंट में। मैरी सोच रही थी कि कुछ दिनों के लिए पेंसिल्वेनिया वापस चली जाए। फ्लोरिडा की गर्मी उनसे सही नहीं जा रही थी और अपने पेंसिल्वेनिया के दोस्तों को याद भी बहुत कर रही थी। उन्होंने ये सब रिचर्ड को सिगरेट पीते हुए बताया। रिचर्ड कहते हैं कि आई किस्ड हर गुडबाय फॉर द नाइट एंड केम बैक होम। अगले दिन मैरी की मकान मालकिन कारपेंटर को उनके नाम का टेलीग्राम मिला, जिसे देने वो मैरी के अपार्टमेंट के बाहर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने डोर नॉब को हाथ लगाया, वो बहुत गर्म मालूम हुआ। उनका ध्यान तुरंत दरवाजे की उस तरफ से आती हुई गर्मी पर गया और घबराकर उन्होंने फायर ब्रिगेड को फ़ोन कर दिया। कुछ ही मिनटों में फायर ब्रिगेड वहाँ आ पहुँची और जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा, जो उन्हें दिखा वो आज तक एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। कमरे की छत यानी सीलिंग का वो हिस्सा जिसके एकदम नीचे मैरी बैठी थी, वो जल चुका था। उस आग से जो कालिख निकली वो सीलिंग और दीवारों के कोनों तक फैल चुकी थी और मैरी का शरीर जलकर पूरी तरह खाक हो चुका था। बचा था तो सिर्फ उनकी रीढ़ की हड्डी का एक छोटा सा हिस्सा, उस कुर्सी के कुछ टुकड़े जिस पे मैरी बैठी थी और उनकी एक साबुत टांग जिस पे उनकी काली सिल्क स्लिपर अभी भी चढ़ी हुई थी। उनकी खोपड़ी भी मिली लेकिन अजीब हालत में। पुलिस ने बताया हर स्कल हैड श्रंकन टू द साइज ऑफ अ कप। जिस आग ने मैरी को जलाया वो इतनी तेज थी कि उनकी हड्डियां तक राख हो चुकी थी। पर सवाल ये था कि उनके आसपास अपार्टमेंट में जो कुछ भी था अभी भी सलामत कैसे पड़ा था। मैरी और उनकी कुर्सी के अलावा अपार्टमेंट में किसी भी चीज़ ने आग नहीं पकड़ी थी। यहाँ तक कि उनकी सफ़ेद बेडशीट्स भी अभी तक पूरी तरह सफ़ेद थी। मैरी जिस आग में जली उसकी गर्मी इतनी तेज़ थी कि दीवारों के स्विच बोर्ड्स पे कालिख जमा हो गई थी और पूरे अपार्टमेंट में जहाँ भी मोमबत्तियाँ थी पिघल चुकी थी। ऐसा लग रहा था मानो आग में खुद का दिमाग था और उसे पता था कि उसे सिर्फ मैरी को जलाना है, अपार्टमेंट में किसी और चीज़ को छूना तक नहीं। ऐसा सेंट पीटर्सबर्ग की हिस्ट्री में ना तो कभी देखा गया था ना सुना गया था। लोकल पुलिस चीफ जेसी राइखार्ड इस मामले की तफ्तीश कर रहे थे। सबकी तरह उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि आग का सोर्स क्या था और सिर्फ मैरी ही क्यों जली। उन्होंने मीडिया के ज़रिए लोगों से अपील की कि सब सोच के बताएं कि उन्हें क्या लगता है ये कैसे मुमकिन है। बहुत सारे लोग सामने आए। एक ने कहा कि हादसे की रात को मैरी के अपार्टमेंट के बाहर से एक अजीब तरीके की बदबू आ रही थी। वो एक ने कहा कि शायद उन पर बिजली गिरी होगी। एक ने तो ये तक कहा कि अ बॉल ऑफ फायर केम इन थ्रू द ओपन विंडो एंड हिट हर, आई सॉ इट हैपन। राइखार्ड समझ गए थे कि यह मामला बहुत अलग है और कॉम्प्लिकेटेड है और इसीलिए उन्होंने फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को खत लिखा और कहा दिस फायर इज़ टू पजलिंग फॉर अ स्मॉल टाउन पुलिस फोर्स। बक्से भर भर के FBI के लैब एविडेंस को पहुंचाया गया। कालीन के टुकड़े,
धुएं और कालिक का सैंपल, कुर्सी के बचे हुए हिस्से और भी बहुत कुछ। FBI अपनी तफ्तीश में लग गई जो पूरे 3 हफ्ते चली। इस दौरान टाइम्स नाम के अखबार के एक रीडर ने कहा कि मैरी की मौत स्पॉन्टेनियस ह्यूमन कम्बशन से हुई। स्पॉन्टेनियस ह्यूमन कम्बशन एक ऐसी कंडीशन है जो साइंस कभी प्रूव नहीं कर पाया, लेकिन ह्यूमन हिस्ट्री में मैरी जैसे कुछ इंसिडेंट हुए हैं जहां बिना किसी वजह या आग के सोर्स के इंसानी शरीर ने आग पकड़ ली है। जो इस कंडीशन को मानते हैं वो ये कहते हैं कि इस कंडीशन में आग का सोर्स इंसान के शरीर के अंदर होता है। आज तक स्पॉन्टेनियस ह्यूमन कम्बशन से सिर्फ औरतों की जलने से मौत हुई। ये आग पूरे शरीर को राख कर देती है और अमूमन हाथ या पैर साबू छोड़ देती है। आज तक जब भी स्पॉन्टेनियस ह्यूमन कम्बशन कहलाई जा सकने वाली घटना हुई है, जलने वाली औरत ही रही है और उसके आसपास कभी भी कुछ नहीं जला है। और वो हमेशा अपने पीछे एक हाथ या एक पैर तो छोड़ के गई ही है, एकदम मैरी की तरह। FBI की जांच के बाद पता चला कि मैरी के पेट में 2 स्लीपिंग पिल्स थी। मरने से पहले उन्होंने सिगरेट पी थी और स्लीपिंग पिल्स ली थी, नींद की दवाइयाँ। FBI की थ्योरी ये थी कि मैरी सिगरेट पीते हुए कुर्सी पर सो गई और सिगरेट उनके गाउन पर गिरी जो रेयन एसीडेट का बना हुआ था, और उनके गाउन ने आग पकड़ ली। क्योंकि मैरी का शरीर वसा से भरा हुआ था, आग चलती रही जिससे आग की लपटें और धुआं सीलिंग पर जाता रहा। अर्नस्टीन रीसर जो मैरी की डॉटर इन लॉ है कहती हैं कि मैरी वॉज अ ग्रेट स्मोकर। द सिगरेट ड्रॉप टू हर लैप, हर फैट वॉज द फ्यूल दैट केप्ट हर बर्निंग, द फ्लो वॉज सीमेंट एंड द चेयर वॉज बाय इटसेल्फ, देयर वॉज नथिंग अराउंड हर टू बर्न। इन्वेस्टिगेटर्स को भी यही थ्योरी सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल लग रही थी। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के एंथ्रोपोलॉजिस्ट मिल्टन एम क्रॉगमैन ने बताया कि ऐसा मुमकिन नहीं। सिकुड़ने की जगह मैरी की खोपड़ी गर्मी से फूट जानी चाहिए थी। उन्होंने यॉर्क डेली रिकॉर्ड नाम के न्यूज़पेपर को कहा कि आई कैन नॉट कंसीव ऑफ सच कंप्लीट क्रिमेशन विदाउट मोर बर्निंग इन द अपार्टमेंट। द क्रिमेशन ऑफ द बॉडी वुड हैव रिक्वायर्ड सेवरल 1000 degrees ओवर अ कोर्स ऑफ सेवरल आवर्स विच वुड हैव डेफिनेटली बर्न द अपार्टमेंट डाउन। मैरी की बची हुई आधी अस्थियों को पेंसिल्वेनिया में उनके पति की कब्र के बगल में दफना दिया गया और आधी उनके बेटे को दे दी गई। उनके बेटे का परिवार ये कहता था कि जब तक मैरी का पुराना फर्नीचर नहीं बेचा गया तब तक उन्हें ऐसा लगता था कि वो अभी भी यहीं है। दैट्स ग्रैंडमा अगेन दे यूज्ड टू से व्हेन अ ब्रीज रोल्ड बाय। डोंट वरी, शी इज़ नाइस।